शुरुआत करते हैं फिर चार का चौका की। सस्ता ऑप्शन लेंगे सबसे पहले मानस से। मानस बताइए क्या ट्रेड रहेगी? देखिए मेरा ट्रेड आईटीसी पे है, आईटीसी का 545 वाला कॉल ऑप्शन लेना है। 4.20 रुपए पे आईटीसी का 445 का कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 2.90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 7 रुपए से 8 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। देखिए दरअसल ये है कि स्टॉक अब हाई टॉप हायर बॉटम बनाने लगा है, पॉइंट मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, तो जो पिछला हाई 445 से 855 की रेंज में था उसको स्टॉक वापस टच कर सकता है। तो आईटीसी का 445 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। चलिए ये हो गई मानस के पिक। आशीष बहेती जी, एफएनओ सुपरस्टार। अनु जी एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे मुथूट फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए मणप्पुरम में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है लेकिन उसे चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इन लेवल्स पे मुथूट में अभी तक वो ब्रेकआउट अब ड्यू है और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टॉक 20 डेमा पे काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है और हमें लग रहा है कि इसमें भी एक वैसे ही उतना बड़ा नहीं लेकिन एक अच्छा मूव इन लेवल्स पे से देखने मिल सकता है। खरीदारी की सलाह है जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना और 1295 का कैसेल मेंटेन करे और 1340 के लेवल्स के लिए इसमें पोजिशन बनाई जा सकती है। ओके मुथूत फाइनेंस आपका ट्रेड हो गया। अगला ट्रेड पकड़ते हैं चार्ट का चमत्कार अमित जी के सौजन्य से आ गया। अमित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? विरेन जी मैं BHEL के साथ जाना चाहूंगा। BHEL का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो 134-135 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था विच वॉज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। एक दो दिन से हम थोड़ा बहुत रेस्ट देख रहे हैं और आज के सत्र में हमने देखा कि कैंडल ने पिछले 2 दिन के हाई को फिर क्रॉस किया है। काफी वैलिड ब्रेकआउट है यहाँ पे तो इसको करना चाहिए चेस। 139 के लगभग इसका प्राइस है, इसे बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 135 एंड अ टारगेट ऑफ 148। ओके BHEL 139.35 पे अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने की तैयारी करता हुआ। मीनवाइल निफ्टी 19600 को सब माफ कीजिएगा 700 को स्ट्राइक करता हुआ डे हाई पर निफ्टी। और थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू HDFC बैंक और इनफैक्ट थैंक्स टू ITC एज वेल। चलते हैं अब शर्मिला जी के पास मिड कैप फंड पिक करने के लिए। शर्मिला जी बताइए मिड कैप में क्या पिक कर रही हैं आप? आई एम गोइंग विद प्रेस्टीज एस्टेट्स। दो तीन बड़े कारण हैं, एक तो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर काफी पसंद आ रहा है इस समय पर। दूसरी चीज अगर आप प्रेस्टीज एस्टेट के नतीजे देखें तो उसमें दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो जिस तरह का उनका वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, प्री सेल्स रहे हैं इस क्वार्टर में, जिस तरह के नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने अनाउंस किए हैं, वो अपनी ज्योग्राफी से बाहर निकल कर अलग अलग ज्योग्राफीज में उनका प्रवेश कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। ओवरऑल उनके प्रोडक्ट ऑफरिंग में जो मिक्सचर है और जो प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा है वो भी काफी अच्छा लग रहा है आगे चलकर। तो ऑल दीज रीजंस अगर आप जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों के लिए प्रेस्टीज स्टेट्स काफी यहाँ से भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो मेरा टारगेट 980 का रहेगा। सो बाय इन प्रेस्टीज स्टेट्स। बाय इन प्रेस्टीज स्टेट्स, रियल एस्टेट में खैर काफी अच्छा मोमेंटम है। चलिए चारों को चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। मानस ने चूज किया ITC सस्ता ऑप्शन में और एक बार जरा इस ट्रेड को लेकर आइए। 7 और 8 के टारगेट यहाँ पर, 445 की कॉल में 2.90 रुपए के स्टॉप लॉस। आशीष बहेती जी ने मुथूट फाइनेंस पर बैठ लिया, एक 1340 के टारगेट 1295 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको यहाँ पर। उसके बाद अमित सेठ ने BHEL पर बैठ लिया, 148 के टारगेट 135 का स्टॉप। और शर्मिला जोशी ने प्रेस्टीज पर बाय दिया 980 के टारगेट के साथ। निफ्टी देखिए अब, और जरा ऑफ डेज लो लेकर आइए अब निफ्टी का,